हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी आईयूपीएससी नाम बिल्कुल नहीं लिख पाते हो, आपको कुछ नहीं आता आईयूपीएससी नाम, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में आईयूपीएससी नाम लिखना सीख जाओगे। मैं आपको कई सारे रूल्स एंड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आईयूपीएससी नाम से रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपको क्लास 9th to 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास में ये पूछा जाता है। 10th में तो ये 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है, ऐसे 12th में भी पूछा जाता है, और आप लोग आईपीएससी नाम लिख नहीं पाते हो, तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आईपीएससी नाम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड आपका जो सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए एंड आप लोग देखो। सबसे पहले आपको जो समझना जरूरी है वो आपके सामने आ चुका है। ये आपको छोटी सी पर्ची लग रही होगी, लेकिन ये आपके पूरे आईपीएससी नाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक। ये क्या लिखा हुआ है ये तो अभी आप लोग नहीं जान पाए होंगे, लेकिन अभी आप समझ जाओगे ओनली 1 मिनट में। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये समझो आखिर ये मैंने क्या लिखा है। देखो यहां लिखा हुआ है मेथ। मेथ का अर्थ है अगर कार्बन की संख्या 1 हो, अर्थात आपको कहने का अर्थ है C1 हो, C and 1, यानी कि ये कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मेथ कहा जाता है। जो कार्बन होते हैं अगर उनकी संख्या 1 हो तो उसे मेथ कहा जाता है, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे एथ कहा जाता है। याद रखना, ये आपका आईपीएससी नाम का सबसे बेसिक चीज है और ये सभी लोग बताएंगे चाहे जिसका आप वीडियो देखोगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 कार्बन की संख्या हो तो उसे प्रोप कहा जाता है, प्रोप। नंबर 4 अगर कार्बन की संख्या हो 4 तो उसे ब्यूट कहा जाता है, अगर कार्बन की संख्या 5 हो तो उसे पेंट कहा जाता है, अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो उसे हेक्स कहा जाता है, हेक्स। इसे नोट कर लो आप अपने नोट्स में, ठीक है। नंबर 7 अगर 7 कार्बन की संख्या है तो उसे हेप्ट कहा जाता है, ठीक है, हेप्ट। एंड अगर 8 कार्बन की संख्या तो उसे ऑक्ट कहा जाता है, 9 कार्बन की संख्या तो उसे नॉन कहा जाता है, नॉन, कहीं कहीं नॉन लिखा रहता है, ना पे ओक मानता हूं ना नॉन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 10 कार्बन की संख्या हो तो डेक कहा जाता है। आप नंबर फर्स्ट से नोट कर लो, मेथ, एथ, प्रो, व्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ऑक, नॉन, डेक। जल्दी से 10 तक नोट कर लो, फिर आपको आईपीएससी नाम चुटकियों में लिखना सीख जाओगे आप भी तुरंत। अभी आपको मैं सब कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप आईपीएससी नेम सीखो, सबसे मैं बेसिक से इनफो यानी कि बेसिक से एडवांस तक ले चल रहा हूं, कि बेसिक से आपको समझा रहा हूं, फिर एडवांस में आप चले जाओगे अपना खुद यार, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लिए, अब इसे मैं बगल लग देता हूं क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक चीज में काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से रख लेता हूं। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, समझो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो आपको कहा होगा कोई भी अगर वीडियो देखो तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि मैंने ऑलरेडी जब पढ़ाया था आईपीएससी नाम तो ये बताया था। ये आप समझो अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये देखो कार्बन कार्बन के मध्य एक लकीर यानी कि सिंगल बॉन्ड। इसमें आपको आईपीएससी नेम लिखते समय एन जोड़ना होता है। एन क्यों जोड़ा जाता है ये सबसे पहले आप समझ लो, आपको कोई नहीं बताएगा। एन इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये एल्केन होता है, एल्केन, और एल्केन ये आपका एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसका अगर आईपीएससी नाम लिखोगे तो लास्ट में एन जोड़ा जाता है, यही ए की मात्रा लिया जाता है और ना लास्ट के 2 अक्षर ले लिया जाता है और एल्केन बन जाता है। ओके समझ में आया यहां क्यों मैंने एल्केन लिखा है, ठीक है। तो यहां इसीलिए एल्केन लिखा जाता है। अब आप यहां देखो अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, ये देखो 2 लकीर है यानी कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, अभी बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको, अभी मैं समझाने वाला हूं। इसी पर आईपीएससी नाम ज्यादा आते हैं कि सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और आप इसका आईपीएससी नाम बताओ, फिर आप सोचोगे मैं क्या लिखूं। समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आपको लिखते समय अगर डबल बॉन्ड कहीं भी लगा हो कार्बन कार्बन के मध्य तो आपको इन जोड़ना है, क्योंकि ये जो है एल्कीन समूह का है, ठीक है, एल्कीन समूह। ओके और इसका लास्ट अक्षर का दोनों लिखा है इन लिया गया है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ोगे, इन जोड़ोगे, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन जोड़ोगे, ठीक है। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 ही बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन जोड़ा जाता है, आइन, ये आपका असंतृप्त है, ठीक है, और ये आपका होता है एल्काइन, और लास्ट का आपको अच्छा लेना है आइन, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अगर आप सिंगल बॉन्ड वाला आईपीएससी नाम लिखोगे तो उसमें एन जोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड वाले आईपीएससी नाम लिखोगे तो उसको इन जोड़ा जाता है, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड वाला लिखोगे तो आइन जोड़ा जाता है, ठीक है।
यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 0.1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोग नोट कर लिए हो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। चलो फिर अब हम लोग इसका आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मैं आपको समझाता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे, आपको एक मिनट भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। देखो आपको मैं समझाता हूं, सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड वाला समझाता हूं। सिंगल बॉन्ड में मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां मैंने ले लिया कार्बन वन, सिंगल बॉन्ड वन। अब मैंने यहां कार्बन लिया, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पहले आप कार्बन की गिनती करो, आखिर इसमें कितने कार्बन है, तो देखो एक कार्बन है, देखो वन है, टू है, थ्री है, यानी कि तीन कार्बन। अगर तीन कार्बन हो तो क्या लिखा जाता है, मेथ एथ प्रोप। तीन कार्बन हो तो क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है, याद रखना प्रोप। अब प्रोप लिखा जाता है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है। यानी कि आप क्या करोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना और आपको 100% समझ में आएगा। यहां आप लिखो प्रोप, आपने प्रोप लिख दिया, अब इसमें क्या जोड़ोगे, एन प्लस आप एन लिख लो। यहां मैंने कार्बन की संख्या तीन है इसलिए मैंने प्रोप लिखा, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने एन जोड़ दिया। अब ये आपका आईपीसी नेम क्या बनेगा, अब क्या बनेगा बताओ जल्दी फटाक से, क्योंकि ये इतना ज्यादा इजी है कि आप तुरंत बता सकते हो, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बाकी है। प्रोपेन क्या बनेगा, संधि आपने पढ़ा होगा, प्रोपेन, तो इसका आईपीसी नाम प्रोपेन होगा। अगर तीन कार्बन जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से तो उसका आईपीसी नाम प्रोपेन हो जाता है। क्या इसमें क्या दिक्कत है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन जोड़ा जाता है, तीन कार्बन की संख्या वन टू थ्री, आप प्रोप जोड़ लो, प्रोप में धन एन जोड़ लो, यानी कि प्रोपेन हो गया। यहां से ये हो गया बच्चा पार्टी इसका आईयूपीएसी नेम। और अगर अभी भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको और समझा दूं एक एग्जांपल के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हमें छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं, अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। पहले मैं सिंगल बॉन्ड का समझा दिया, अब मैं आपको डबल बॉन्ड का समझा दूं, फिर मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का, फिर आगे फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब यहां दूसरा देखो डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला आप कैसे लिखोगे, लाइक इज अगर आपका मतलब हो गया, समझो डबल बॉन्ड जोड़ना है CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, चलो इसमें डबल बॉन्ड आ गए, कार्बन कार्बन के मध्य देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है डबल बॉन्ड। आप बताओ इसका आईपीसी नाम कैसे लेंगे, फर्स्ट नंबर आप कार्बन की संख्या की गिनती करो, अगर इसमें कार्बन कितने हैं तो इसमें फर्स्ट है एक कार्बन, सेकंड दो कार्बन, ठीक है। अब देखो इसमें दो कार्बन हो गए, अब इसमें दो है यानी कि दो है, तो इसे क्या लिखोगे, एथ, एथ लिखोगे ना, तो एथ आप लिख दो एथ। और इसमें क्या जोड़ोगे, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे, जल्दी से बता दो, फटाक से आप लोग नोट कर लिए हो, क्या लिखोगे, इन, तो एथ में आप इन जोड़ लो, बड़ी ई और ना इन, तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, बहुत अच्छा, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा है, आपका बन जाएगा एथीन, क्या बन जाएगा एथीन, क्या बन जाएगा स्टूडेंट एथीन। चलो फिर आपको समझ में आ गया, यहां आप एथीन कर लो, ठीक है एथीन, कोई दिक्कत नहीं, आप एथ ऐसा ही रहने दो, ठीक है ए और था एथ, ठीक है आप ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं एथ, ठीक है आपको मानता ना लगाओ, तो एथीन ऐसे भी सही हो ऐसे भी सही है एथीन। अब आओ थर्ड बॉन्ड वाला समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, चलो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 एंड सी एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ इसमें आप कैसे इसका आईपीसी नेम लिखोगे, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, सी से कार्बन है वन कार्बन, आप इधर से गिनो, इधर से नजदीक है वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, तो तीन कार्बन की संख्या है ना, तीन कार्बन की संख्या है तो इसमें क्या लिखोगे, तीन कार्बन की संख्या को क्या लिखते हैं, प्रोप। और अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, क्या जोड़ोगे, आयन, ठीक है आयन जोड़ोगे, तो आयन आप जोड़ लो, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्रोपाइन। तो क्या है इसमें क्या दिक्कत है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, ऐसे हमें एक छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलो फिर ये आपको समझ में आ गया, और मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज एक स्ट्रक्चर समझो। यहां मैंने सी ले लिया, यहां हाइड्रोजन एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया एंड एच जोड़ दिया, एच जोड़ दिया, अब बताओ इसमें क्या है, इसका क्या होगा, इसमें कितनी कार्बन की संख्या है, एक है, यही एक कार्बन की संख्या है, तो एक है तो इसमें क्या जोड़ोगे, मेथ। अब आओ इसमें प्लस करो, इसमें सिंगल बॉन्ड है केवल, डबल बॉन्ड दिख नहीं रहे, सिंगल बॉन्ड में आप क्या जोड़ते हो, एन, यानी कि आप इसमें एन जोड़ लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या दिक्कत है, अभी भी भाई दिक्कत हो तो बता दो, वैसे हमें अब कोई दिक्कत नहीं लग रहा। यहां मैंने और डबल बॉन्ड वाला और समझा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब देखो यहां डबल बॉन्ड वाला एक और समझ लो, ठीक है, यहां देखो मैंने लिख दिया CH3
एंड सी एंड डबल बॉन्ड सी एस टू, ठीक है। चलो इसमें डबल बॉन्ड ही जोड़ा जाएगा, सिंगल बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं है, डबल बॉन्ड लग गया तो डबल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तीन कार्बन की संख्या है और तीन कार्बन की संख्या है बच्चा पार्टी, तो क्या लिखते हो जल्दी से बताओ, तीन कार्बन की संख्या को क्या लिखा जाता है। यहां देखो, यहां 3 प्रोप, प्रोप लिखते हो ना, प्रोप। चलो अब इसमें डबल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, यहां इन जोड़ोगे, इन क्योंकि डबल बॉन्ड में इन जोड़ता है। चलो आपने इन जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। चलो भाई कितना ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान से देखो। अब आपको सोच रहे होगे सर एक और ट्रिपल बॉन्ड वाला बता दो तो बहुत अच्छा रहे, तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहां मैंने एक और ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है देख सकते हो, तो इसका क्या होगा, यहां कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तीन कार्बन की संख्या है तो प्रोप लिख लो। चलो और इसमें डबल आयन जोड़ लो, आयन क्यों जोड़ोगे, क्योंकि थ्री कार्बन की संख्या में क्या जोड़ा जाता है, आयन जोड़ा जाता है, लाइक इज आप लोग देख सकते हो सब मैंने लिखा है आयन, तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। चलो अब आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं, केवल कार्बन की संख्या गिननी आनी चाहिए और आपको लगाना आना चाहिए बस। अब हम लोग आते हैं थोड़े समूह पर, अब आप लोग समझो एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह क्या है। अभी तक आपने क्या समझा था कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये आपने समझ लिया पूरा। अब हम लोग समूह समझेंगे, मतलब एल्कोहल समूह जिसका आईपीएससी नाम लिखते समय OH जुड़ा हो, OH जुड़ा रहता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ सब कुछ समझाऊंगा, छोटी सी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो अब समझो सबसे पहले इसका आपको ये याद रखना, एक अब देखो एल्केन है, अब देखो इसका आईयूपीएससी नेम लिखते समय आपको ऑल जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बड़ा आ और ला आल, जैसे आप उसमें आयन जोड़ते थे, इन जोड़ते थे, एन जोड़ते थे, उसी तरह इसका आईयूपीएससी नेम करते समय आपको आल जोड़ना है, बड़ा आ और ला आल, याद रखना काफी ज्यादा इजी है। अगर आपका एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ हो, एल्कोहल समूह का अर्थ है उसमें OH जुड़ा रहता है, और OH जो है वो एल्कोहल समूह है, और OH अगर कहीं भी जुड़ा हो, जैसे आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, एक भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। जैसे लिखा हुआ है CH3 OH, चलो अब इसमें देखो इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, ये देख लो OH समूह, और OH अगर कहीं भी जुड़ा हो तो वो एल्कोहल समूह होता है। अब इसका आईयूपीएससी नाम आप कैसे लिखोगे ये आप लोग समझो, सबसे पहले आपको एल्केन लिखना है, एल्केन का अर्थ यहां क्या है, एक कार्बन की संख्या, तो आप एक कार्बन की संख्या को क्या कहते हो, मेथेन, मेथेन, जैसे एल्केन में एन जोड़ता है इसे मेथेन, और मेथेन में आपको क्या जानना है, ऑल, यानी कि क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या मैंने कहा, अगर आप यहां देखो एक कार्बन की संख्या, कार्बन की एक ही संख्या है ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां एक कार्बन की संख्या को कहते हैं मेथेन प्लस, अब यहां अगर एल्कोहल समूह OH जुड़ा हो ना तो वहां आल जोड़ा जाता है, ये याद रखना। चलो अगर आपने ऑल जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल, ये बन गया मेथेनॉल, क्या दिक्कत है। आपको यही समझना है, अभी मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं, आपको यही समझना है अगर कहीं भी आईयूपीएससी नाम आपको दे दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, और अगर OH समूह जुड़ा हुआ हो, OH समूह, तो आपको वो ऑल लास्ट में ऑल जोड़ना है, मेथेन जैसे मेथेन एथेन इसके पीछे ऑल जोड़ दो, जैसे हो जाएगा मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, ऐसे हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखना अगर आईयूपीएससी नाम लिखते समय OH समूह जुड़ा हुआ है तो वहां एल्केन के पीछे ऑल जोड़ दो और वो आपका हो जाएगा एल्केनॉल, और एल्केनॉल जैसे एल्केन की जगह मेथेन, एक कार्बन की संख्या है मेथेन, दो कार्बन की संख्या एथेन, तीन है तो प्रोपेन, और उसमें ऑल जोड़ दो तो मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया, अगर एल्कोहल समूह रहेगा तो OH जुड़ा रहेगा, कहीं भी OH देखो तो सीधा आप ऑल लगा दो, ठीक है। तो यहां मैं और एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे यहां सिंगल बॉन्ड से सी सी एंड OH समूह मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां आप इसका वैलेंसी पूरा कर लो, HH लगाकर हाइड्रोजन, ये अब यहां आप आओ, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका यहां एक कार्बन की संख्या, दो कार्बन की संख्या, अब भाई दो कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, एथ कहा जाता है ना, ये देखो दो कार्बन की संख्या को एथ कहा जाता है, तो एथ कहा जाता है, ठीक है, एथ
एथ कहा जाता है, ठीक है, एथ ऐसे भी लिख सकते हो, मात्रा लगा आपका भी। अब इसमें आ एथेन, एथेन हो जाएगा ना, एल्केन में आपका दो कार्बन की संख्या को कहते हैं एथेन, और इसमें आपको ऑल जोड़ना है, ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, क्या हो जाएगा ये, ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, एथेनॉल, ये हो गया आपका। देखो आपको एल्केन समूह वाला ले लेना है, यानी कि दो कार्बन की संख्या, तो उसे एथेन लिखना है, उसके पीछे ऑल जोड़ना है, यानी कि एथेनॉल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो फिर अगला समूह देखते हैं, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में आपका CHO जुड़ा होता है, जैसे मैंने बताया था उसमें एल्कोहल समूह में OH जुड़ा रहता है OH, वैसे एल्डिहाइड समूह में CHO जुड़ा रहता है। जैसे मैं आपकी अभी आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, CHO जुड़ा जाता है एल्डिहाइड समूह में, ठीक है। अब एल्डिहाइड समूह में CHO कैसे जुड़ा रहता है वो समझ लो, जैसे एग्जांपल है, मैं आपको अब पेन से समझाऊंगा, जैसे एग्जांपल है HCHO, यहां देखो लास्ट में CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है, CHO, और इसमें आपको कार्बन की संख्या काउंट करना है, एल्डिहाइड है, और इसमें CHO अगर कहीं भी जुड़ा हो तो यहां केवल अल जोड़ा जाता है, छोटा आ औला अल, ठीक है, क्योंकि आपको अगर एल्कोहल समूह हो तो वहां आल जोड़ा जाता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड समूह हो तो वहां अल जोड़ा जाता है, और अल आपको जोड़कर जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जैसे यहां कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, यही तो कार्बन की संख्या है, चलो एक है। अब आप यहां आपको मेथेन में ऑल, मेथेन में अल जोड़ना है, यानी कि मेथेनल, अगर यहां OH जुड़ा रहता तो मेथेनॉल हो जाता, लेकिन यहां कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन की संख्या और CHO जुड़ा हुआ है, और अगर कहीं भी CHO जुड़ा हो तो आपका एल्डिहाइड समूह होगा, और एल्डिहाइड समूह का IUPAC नेम लिखते समय हमें अल जोड़ना पड़ता है, छोटा आ उल्ला अल, और आप उसका IUPAC नाम लिखते समय मेथेन में अल जोड़ दो, मेथेनल हो गया, एक कार्बन की संख्या, दो हो तो एथेन में नल जोड़ दो, एथेनल हो जाएगा। लाइक इसमें आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे यहां आपको मैं समझाता हूं CH3 एंड CHO, एक कार्बन की संख्या, दो कार्बन की संख्या, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, आपका दो कार्बन की संख्या को क्या कहा जाता है, ये देख लो, एथ कहा जाता है ना, एथ, चलो एथ कहा जाता है, तो यहां आप एथे दूसरे से लिखते हैं, यहां देखो एथे नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनल, एथेनल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एथेनल हो जाएगा, ठीक है, इसे आप हटा दो, जैसे ये आप मात्रा ना लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, एथेनल हो जाएगा। तो यहां आपको समझ में आ गया, मेथेनल, एथेनल, यानी कि एल्डिहाइड समूह में आप उसका IUPAC नाम लिखते समय अल जोड़ा जाएगा, और वो CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो वो आपका एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, और क्रियात्मक समूह आपका CHO जुड़ा रहता है एल्डिहाइड समूह में, और IUPAC नाम लिखते समय अल जोड़ा जाता है, ठीक है, ये आपको दोनों समझ में आ गए। आ जाओ अब हम लोग अगला समूह समझते हैं, अगला समूह हम लोग समझेंगे स्टूडेंट वो है, आ जाओ थोड़ा सा और समझते हैं, यहां यह है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन समूह में आप क्या समझोगे भाई, हाइड्रोजन समूह में कुछ नहीं है, जो आप लोग सोच रहे हो वो कुछ नहीं है। हाइड्रोजन समूह में आपको कोई समूह जुड़ा रहता है, जैसे Cl जुड़ा रहेगा उसे क्लोरो कहा जाता है, Vr जुड़ा हो ब्रोमो कहा जाता है, I जुड़ा हो आयोडो, एंड F जुड़ा हो तो फ्लोरो कहा जाता है, ये सब हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, देखो आपको मैं यहां एक स्ट्रक्चर समझाता हूं, ये अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां Cl जुड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Cl कितने नंबर पर, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, यहां Cl जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर पर, चाहे आप इधर से काउंट करोगे चाहे इधर से, दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। अब इसे क्या लिखा जाता है, अगर Cl जुड़ा हो तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, मैंने कहा है अगर Cl जुड़ा हो तो क्लोरो कहा जाएगा, तो क्लोरो आप कहोगे, लेकिन कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक नंबर एंड दो नंबर पर, ठीक है, तो दो नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो, कितनी कार्बन की संख्या है, 1, 2, 3, यानी कि प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, बस ये हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है इसका IUPAC नेम, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ दूसरा समझते हैं कि हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत, हाइड्रोजन समूह जैसे लिखा हुआ है C2H5VR, मैंने कहा है VR जुड़ा रहेगा तो क्या कहा जाएगा, ब्रोमो, देख लो ब्रोमो,
तो वी आर जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, तो सबसे पहले आप ब्रोमो लिख लो। सबसे पहले हमें लिखना है ब्रोमो और कितनी कार्बन संख्या है, दो, यानी कि दो कार्बन की संख्या को क्या कहा जाता है जल्दी से बताओ फटाक से, एथेन। तो यहां एथेन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन। और बहुत ज्यादा इजी है, अगर फ्लोरो आ जाए फ्लोरो एथेन, क्लोरो आ जाए क्लोरो प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन, बहुत ज्यादा इजी है, आप तुरंत लिख सकते हो। अब आ जाओ अगला समूह देखते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में आपका, कार्बोक्सिलिक समूह में कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक समूह में आपका सी डब्ल्यू ओ एच जुड़ा रहता है। सी डब्ल्यू ओ एच का अर्थ है आपका कार्बोक्सिलिक समूह में आपका सी डब्ल्यू ओ एच जुड़ा रहेगा, कहीं भी सी डब्ल्यू ओ एच जुड़ा हो तो वो आपका कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक समूह का आईपीएससी नाम लिखते समय ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे आपको नोइक जोड़ना है, ओइक अम्ल। जैसे अगर COOH कहीं भी लिखा हो तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह का आईपीएससी नाम लिखते समय हमको ओइक जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ओइक। तो ऐसे में आपको कैसे याद रखना है ये आप लोग समझो, कार्बोक्सिलिक समूह में COOH जुड़ा रहेगा और आईपीएससी नाम लिखते समय आपको ओइक जोड़ना है। अब एग्जांपल हम लोग सीखेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे लिखा रहेगा सी, यहां पर एच सी ओ ओ एच, अब यहां लास्ट में देखो COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका आईपीएससी नाम क्या होगा जल्दी से बताओ, इसमें कितने कार्बन की संख्या, एक, तो आप एक लिखो तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, और अम्ल जोड़ दो, बस इसका भी आईपीएससी नाम हो गया। एक कार्बन की संख्या मेथेनोइक अम्ल, दो कार्बन संख्या एथेनोइक अम्ल, थ्री कार्बन की संख्या प्रोपेनोइक अम्ल। और समझो, अभी आपका आपको नहीं समझ में आया मुझे पता है, चलो और समझ लो, दूसरा समझो, दूसरा जैसे लिखा हुआ है ये कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है ना, CH3COOH, तो आप बताओ इसका क्या होगा आईपीएससी नेम, जल्दी से बताओ, ओइक जोड़ना है, कितनी कार्बन की संख्या, एक, दो, दो कार्बन की संख्या है ना, दो कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, बस आपको केवल ओइक जोड़ना है लास्ट में, यही ओइक जोड़कर आप अम्ल लगा दो, आपका आईपीएससी नाम हो जाएगा, अगर COOH कहीं भी समूह में जुड़ा हो। सब कुछ आपको इसका टेस्ट कराया जाएगा, ये सारे होते हैं, आप लोग अभी नहीं जानते होंगे लेकिन आगे चलकर ये सारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगला समझो कीटोन समूह, कीटोन समूह में CO जुड़ा रहता है, CO कीटोन में, अब CO जुड़ा होता है इसका क्रियात्मक समूह, और आईपीएससी नेम लिखते समय ओन जोड़ा जाता है, ओ ना ओन, ठीक है। अब देखो कीटोन समूह में कुछ नहीं है, कीटोन समूह में आईपीएससी नाम लिखते समय ओन जोड़ लो। जैसे अगर आप कीटोन समूह में कैसे लिखोगे, कुछ आया समझ में, जैसे आप, अगर आपके कितने कार्बन की संख्या है, आपका तीन कार्बन की संख्या है, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन उसमें ओन जोड़ दो, प्रोपेन में ओन जोड़ दो तो ओन हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन। अब आप समझोगे कैसे, तो ये आपको बता देता हूं तुरंत, कीटोन समूह जैसे यहां आप आईपीएससी नाम लिखते समय ओन जोड़ना है, और आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, कोई बड़ा सा CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। अब यहां कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन की संख्या, दो कार्बन की संख्या, तीन एंड चार, चार कार्बन की संख्या है ना, चार है तो चार आपका है, तो चार को क्या कहते हैं, मेथ एट तो ब्यूट, ब्यूट कहा जाता है ना, चलो ठीक है, तो ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन, और इसमें आपको ओन जोड़ना है, ओन, तो ब्यूटेन में अगर ओन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, बस यही इतना तो आपको करना है, और काफी ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान से समझ लिए तो, इसमें कुछ है नहीं, आपको एक 0% भी नहीं दिखाई देगा कि हार्ड है, 0% की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा सा, अब समझो कीटोन समूह, कीटोन समूह में क्या होता है, आर वो आर जुड़ा रहता है, ओ तो आपका समूह है, बगल बगल आपका एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि जैसे CH3 होता है, C2H5 होता है, ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, ठीक है, समझ में आया, यानी कि इसकी दो गुनी से एक ज्यादा, जैसे कार्बन की संख्या दो है तो इसकी दो गुनी से एक ज्यादा, दो गुनी यानी कि 4 यानी कि 5, ठीक है, तीन है तो तीन गुनी से एक 7 यानी कि 3C3H7। चलो अब यहां आपको आईपीएससी नाम लिखते समय, अब आप समझो, यहां मैं अलग से समझाऊंगा, देखो जैसे ये आपका कौन सा समूह है, ये आपका है ईथर समूह,
जैसे आपसे आईपीएससी नेम पूछ लिया गया, एक ही मैं आपको समझा देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सी एच थ्री है, सी एच टू है, एंड ओ है, एंड सी एच थ्री है, ठीक है। ये दोनों एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, सी एच थ्री, एंड अगर इन दोनों को आप मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो समझना धीरे से। अब इधर से इसे जोड़ा जाएगा, इधर से ये नजदीक है एक, यानी कि इधर दो, ये तीन, तो इधर अगर देखो समझना, इधर इधर से ये है तो यहां आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओ बीच में जुड़ा हुआ है। अब जिधर से आपका ओ नजदीक हो ना, जिधर से आपका ओ नजदीक हो उधर से आपसे ऑक्सी जोड़ना है, यानी कि मेथॉक्सी, यानी कि मेथॉक्सी, मेथ में ऑक्सी जोड़ना है। जैसे अगर यहां एथ होता तो एथ में ऑक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है, ऐसे जोड़ना है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको समझना है। अब यहां आप, अब इधर देखो कितना है, एक दो, दो है, तो यहां इसे लिखना है, क्या लिखना है, एथेन, यानी कि ये आपका एल्केन समूह रहेगा। अर्थात यहां आपको पहले ऑक्सी जोड़ना है, फिर आपका एल्केन समूह हो जाएगा, एल्केन समूह। यहां कहने का अर्थ है कि इधर से नजदीक है ना, तो यहां आपका मेथॉक्सी हो गया, ये एल्केन समूह, यानी कि एथेन, मेथ एथेन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां तक आपको समझना था आईयूपीएससी नेम, काफी ज्यादा इजी था, एंड आप लोगों को सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। मैंने एक बहुत सारी चीजें समझा दी और एक ही वीडियो में आपको काफी ज्यादा चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये वीडियो मेनली आप लोगों के ही प्रबंध से बनाया गया था, और आप लोग अगर इसे नोट कर लिए होंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आपका आईपीएससी नाम नहीं छूट कर आएगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम या क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।